हेलो स्टूडेंट, मैं डीएन प्रजापति। आज आप लोगों को पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पढ़ाने चल रहा हूँ। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखा गया है। सर हेनरी वॉटन 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान तथा आलोचक थे, जो 1568 में पैदा हुए थे और 1639 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वह एक विचारक थे। वह सामाजिक सिचुएशन, सामाजिक स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते थे। वह उस पर कुछ चिंतन करके कविता के माध्यम से वह बताते थे। जैसा कि पोयम है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का मतलब हुआ सुखी जीवन के लक्षण। सुखी जीवन के लिए किन किन एलिमेंट्स की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसमें उन्होंने मुख्य रूप से बताया हुआ है। क्लियर? तो इसकी मीनिंग एक बार बताते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन के लक्षण। सुखी जीवन कैसा होता है उसे इस कविता के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे। देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, मतलब जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न होता है, इज ही बॉर्न, जन्म या टॉट, शिक्षा से वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है, कितना प्रसन्न होता है। दैट सब्थ नॉट अनादर्स विल, विल मीन्स इच्छा, वह व्यक्ति जो दूसरे के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। क्लियर? अर्थात वह व्यक्ति जो दूसरे अनादर्स, दूसरे के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, सब्थ करना, कार्य नहीं करता है, वह बड़ा ही खुश होता है। हूज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। क्लियर? हूज आर्मर, आर्मर मिस होता है कवच, मतलब जो उसकी ऑनेस्ट थॉट है, जो उसकी सरल सत्यता है, वही उसकी क्या है, अटमोस्ट स्किल, वही उसकी अटमोस्ट स्किल है, वही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, मतलब ईमानदारी का जो विचार है उसका सुरक्षा कवच है। ऑनेस्ट, हीज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी का विचार ही उसकी क्या है, आर्मर, कवच है। कवच मतलब सुरक्षा का हथियार है। अर्थात अपनी ईमानदारी की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से वह सुरक्षित रहता है। एंड सिंपल ट्रुथ, और सरल सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम, अटमोस्ट मीन्स एक्सीलेंट, सर्वोत्तम, स्किल मीन्स योग्यता। सिंपल ट्रुथ, सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। क्लियर? तो एक बार पूरे की एक साथ हिंदी में मीनिंग देखिए। जन्म या शिक्षा से
वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र कवच है, सुरक्षा का हथियार है तथा सरल सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। हुज पैशन, पैशन पैशन मीन्स होता है मनोवेग, मनोवेग मीन्स मन में आने वाली कुछ इच्छाएं, जैसे क्रोध है, लालच है या भय है, हर्ष है, इस तरह की बातें हैं, वो इस तरह की बातों को पैशन कहा जाता है, मनोवेग। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, अर्थात एक प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं रहता है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स, मतलब एक सुखी व्यक्ति अपने तीव्र इच्छाओं के मास्टर अधीन नहीं रहता है, अपने स्वामी के अधीन नहीं रहता, था सेंस यह है कि वह तीव्र इच्छाओं के अधीन नहीं रहता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और सोल, सोल में सुवा व्यक्ति इज स्टिल प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड में तैयार रहता है फॉर डेथ, मृत्यु के लिए। अर्थात एक सुखी व्यक्ति, एक प्रसन्नचित व्यक्ति, वह मरने के लिए सदैव तैयार रहता है, अर्थात वह मौत से नहीं डरता है। अनटाइड ऑन टू द वर्ल्ड विद केयर, मतलब यह कहा जा रहा है उसे इस संसार की कोई चिंता नहीं रहती है। अनटाइड ऑन टू वर्ल्ड विद केयर, आ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीद, प्रिंसली, प्रिंसली का सेंस यहाँ राजा से सेंस है, मतलब जो एक सुखी व्यक्ति होता है, जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है, वह राजा की कृपा और साधारण लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करता है। राजा की प्रिंसली लव, राजा की कृपा या वल्गर ब्रीद या सामान्य लोगों की आलोचना की वह चिंता नहीं करता है। क्लियर। इस पूरे का मतलब यह रहा कि सच्चा प्रसन्न व्यक्ति मन की तीव्र इच्छाओं के नियंत्रण में वह नहीं रहता, वह मरने के लिए, मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है, उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, वह राजा के कृपा या साधारण लोगों की आलोचना की वह परवाह नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट इस संज्ञा देखते हैं, पेज पलट रहे हैं। नेक्स्ट संज्ञा है हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, फ्रीड मीन्स मुक्त रहना, मतलब उसकी जिंदगी अफवाहों से मुक्त रहती है, मतलब जो एक ईमानदार व्यक्ति है, जो सुखी व्यक्ति है, उसकी जो जिंदगी है वह र्यूमर्स फ्रीड होती है, अफवाहों से मुक्त होती है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, मतलब इस तरह का व्यक्ति हमेशा अपने कॉन्शियंस, कॉन्शियंस होता है अंतरात्मा, वह अपने अंतरात्मा के अनुसार
ही कार्य करता है, अर्थात जो उसकी अंतरात्मा है वही उसकी स्ट्रांग रिट्रीट है, अर्थात उसकी दृढ़ स्थली है। क्लियर? मतलब ऐसा व्यक्ति अपनी अंतरात्मा, अपने मन की, अपने अंतरात्मा, अपने मन के अनुसार वह कार्य करता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, मतलब हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, मतलब जो उसकी कथन है, जो उसकी बातें हैं, उससे जो चापलूस व्यक्ति होता है वह कभी संतुष्ट नहीं रहता है, वह उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न तो ऑपरेशर, ऑपरेशर मीन्स होता है अत्याचारी या अत्याचार करने वाले, मतलब नॉर रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे सच्चे व्यक्ति का यदि कोई नुकसान करता है तो वह व्यक्ति अर्थात जो नुकसान करने वाला व्यक्ति है वह कभी नाम नहीं पाता, अर्थात लोग उस व्यक्ति की आलोचना करते हैं, अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति की यदि कोई आलोचना करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, तो जो नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है उसकी सब लोग आलोचना करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। नेक्स्ट पर आप देखिए, हु एनिमीज, एनिमीज मिसदा ईर्ष्या, ईर्ष्या करना, मतलब ऐसा व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता, हु एनिमीज नन, नन किसी से नहीं करता है ईर्ष्या, ऐसा व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस डेथ रेज, और उस व्यक्ति से जो संयोग से प्रगति की है, मतलब वह व्यक्ति जो चांस संयोग से रेज अपने आप को ऊपर उठाया है, प्रगति किया है, ऐसे व्यक्ति से जो सच्चा व्यक्ति होता है वह कभी नफरत नहीं करता है, कभी एनवीज ईर्ष्या नहीं करता है। नार वाइस हु नेवर अंडरस्टैंड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, देखिए मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि नार वाइस हु नेवर अंडरस्टैंड, मतलब वह वाइस बुराई को कभी नहीं समझता है कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, कि झूठी प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, अर्थात इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि झूठी प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं उसके बारे में वह ध्यान नहीं देता, अर्थात वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ना रूल्स ऑफ स्टेट मतलब वह राज्य के नियमों का नहीं बल्कि रूल्स ऑफ गुड अच्छाई के नियमों का वह पालन करता है, मतलब इस तरह का व्यक्ति राज्य के नियमों का नहीं, रूल्स ऑफ स्टेट राज्य के नियमों का नहीं बल्कि अच्छाई के नियमों का वह पालन करता है, अच्छाई के नियमों को वह चलाता है। क्लियर? हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली मतलब हर समय
वह प्रे करता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, गॉड। देखिए गॉड शब्द जहाँ भी रहेगा, वाक्य प्रारंभ में हो, बीच में हो, कहीं भी हो, वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसा कि इस बुक में भी दिया हुआ है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मतलब इस तरह का व्यक्ति सुबह शाम, अर्ली सुबह, लेट शाम, सेंस यहाँ पे है, इस तरह का व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की पूजा करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, ईश्वर की प्रार्थना करता है क्या करने के लिए, हिज ग्रेस उसकी कृपा प्राप्ति करने, उसकी कृपा कृपा की प्राप्ति के लिए। मतलब इस तरह का व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा प्राप्ति के लिए वह उनकी पूजा करता है, प्रार्थना करता है। क्लियर। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन में सोता है इंजॉय या स्पेंड। हु इंटरटेन्स जो बिताता है, ही इज हार्मलेस डे, हानिरहित दिन, अर्थात वह अपने दिनों को बिताता है, कैसे बिताता है, विद वेल चूजन बुक, अच्छी चुनी हुई किताबों को पढ़ करके, और फ्रेंड या अच्छे दोस्तों के साथ में रह करके। हु इंटरटेन्स द होमलेस डे विद वेल चूजन बुक और फ्रेंड, इस तरह का व्यक्ति अपने दिन को अच्छी किताबों को पढ़ करके या अच्छे दोस्तों के साथ वह बिताता है। क्लियर। मतलब एक सुखी व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं, किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि उनकी ग्रेस, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए वह उनकी पूजा करता है, प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द होमलेस डे, जो अपने दिन को वह बिताता है अच्छी किताबों के साथ, अर्थात अच्छी किताबों को पढ़ करके वह अपने दिन बिताता है, या अपने अच्छे दोस्तों के साथ अपने दिन को बिताता है। क्लियर। नेक्स्ट, दिस मैन, दिस मैन मीन्स हैप्पी मैन, सच्चा व्यक्ति, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, इस तरह का व्यक्ति सर्वाइल बैंड्स, दास्ता, सर्वाइल मीन्स दास्ता, बैंड मीन्स बंधन, फ्री मीन्स मुक्त रहना, इस तरह का व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त रहता है, इस तरह का व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त रहता है। क्लियर। आप होप टू राइज, मतलब उसे न तो ऊंचा उठने की आशा होती है, होप टू राइज, होप टू राइज, न तो ऊंचा उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और न तो नीचे गिरने का, फॉल पतन, फियर मिस भय, न तो उसे नीचे गिरने का भय होता है, मतलब वह सभी तरह के बंधनों से, दास्ता के बंधनों से वह मुक्त होता है, उसे न तो ऊपर उठने की आशा होती है और न नीचे गिरने का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह किसी संसारिक संपत्ति का,
स्वामी नहीं होता, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि किसी संसारिक वस्तु का, संसारिक संपत्ति का स्वामी नहीं होता, बल्कि लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप का स्वामी होता है। क्लियर? अपने आप का स्वामी होता है, मतलब वह अपनी इच्छाओं को अपने बस में रखता है, अर्थात वह अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है। यह बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति यदि अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाए, यदि वह अपनी इच्छाओं को अपने बस में कर ले, यह बहुत बड़ी बात होती है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी, हैविंग नथिंग कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ रहता है। ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ रहता है, अर्थात उसके पास संतोष का धन होता है। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम, संतोष का सुख उसके पास होता है। क्लियर? इस तरह से आपका यह पोयम समाप्त हो गया। इसमें से बोर्ड परीक्षा में एक्सप्लेनेशन आता है और सेंटर आईडी आता है, यह दोनों आपको तैयार करना है। आप जो है लास्ट पैराग्राफ जो है दिस मैन इज फ्री से लेकर के ही हैथ ऑल तक का रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर हम आपका जो है नेक्स्ट डे चेक करेंगे, नेक्स्ट डे चेक करेंगे, और इसके बाद हम खुद आपको किसी दूसरे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन बताएंगे और सेंटर आइडिया लिखवाएंगे। ओके, थैंक्स।